वेलकम बैक। सोशल नेटवर्किंग स्टार्स के लिए कनेक्शन है या फिर कर्स? उम्मीद है बिग स्टोरी ने इसका जवाब आपको देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन उसी के एक और पहलू पर डालते हैं नजर इस काउंटडाउन के सहारे कि सोशल नेटवर्किंग ने कैसे खड़ी कर दी स्टार्स के लाइफ में कॉन्ट्रोवर्सीज। मीडिया मीडिया मीडिया, अगर आप सलमान खान की तरह बिहेव करेंगे तो कैसा चलेगा? ये धक्कम दुक्की की चीज मुझ पे छोड़ो, ये धक्कम दुक्की की चीज मुझ पे छोड़ो। यूं मीडिया मीडिया कहकर नए नए टेक गुरु बने सलमान खान दरवाजा रोककर मीडिया को अंदर आने से तो रोक रहे हैं, लेकिन सोशल नेटवर्किंग से जुड़े बॉलीवुड के कई स्टार्स कॉन्ट्रोवर्सीज को अपनी लाइफ में आने से नहीं रोक पाए हैं। हाल ही वक्त में ब्लॉग लिखने के शौकीन मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अपने ब्लॉग पर एक दिन खुलासा कर दिया कि उनके घर में शाहरुख नाम का एक डॉगी है। जाहिर है आमिर की ये बात ना तो शाहरुख, ना उनकी फैमिली और ना ही उनके फैंस को जरा सी भी फनी लगी। शाहरुख ने जमकर अपनी नाराजगी इस बात पर जाहिर की। I don't think you should get into the territory of what I do because he doesn't know me well enough to comment on that and I don't like it. He named a dog after me which is okay. I say okay, that's a joke. So XYZ things when they say it's all right, but beyond that, I think he should restrict himself to. I also wonder why do I prey on his mind so much? He should do his job. He's working hard. Tell him to work hard and continue with what he does and be happy for what God has given me. Don't be unhappy for God what God has given me. तो मीडिया के सामने आए आमिर खान इसका कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाए। ब्लॉग पर आमिर के इस कमेंट ने आमिर और शाहरुख के रिश्ते में बड़ी दरार पैदा कर दी थी। कौन बनेगा करोड़पति छिनने से नाराज अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर अपनी नाराजगी जताई थी। यहाँ तक कि टीआरपी का कंपैरिजन करके उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की थी कि जब वो केबीसी करते थे तो उस वक्त उनके शो की टीआरपी शाहरुख के केबीसी से ज्यादा थी। डीनो मोरिया ने अपने नेटवर्किंग अकाउंट पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड बिपाशा बासु के कुछ ऐसे पिक्चर्स डाल दिए थे जिनमें वो दोनों काफी इंटिमेट नजर आ रहे थे। दोनों का ब्रेकअप हुए करीब 10 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन डीनो ने पता नहीं किस बात का बदला लेने के लिए बिपाशा की ये पिक्चर्स अपने अकाउंट पर डाल दी और इस बारे में उन्होंने कोई खास सफाई भी नहीं दी थी। मिनीषा लांबा को पिछले दिनों जब कस्टम्स ने एयरपोर्ट पर रोका था तो उस वक्त भी शोभा डे ने अपने अकाउंट पर मिनीषा के बारे में कुछ ऐसा लिख दिया था कि मिनीषा लांबा शोभा डे से नाराज हो गई थी। राम गोपाल वर्मा ने बुढ़ा होगा तेरा बाप देखने के बाद अमिताभ बच्चन के लिए जो गाली भरे कमेंट्स लिखे उससे राम गोपाल वर्मा को मीडिया के सामने जवाब देना भारी पड़ गया था। एक्सप्लिसिट वर यूज्ड ऑन मिस्टर बच्चन, यू नो, नाउ एनीबॉडी विद ए 5 ग्राम ब्रेन, आई रियली डोंट नो द वेट एंड साइज ऑफ द ब्रेन, आई थिंक वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। अमिताभ बच्चन को मैं पर्सनली I'll call him Amit ji, respect him a lot. उनकी गाली में पीछे देता। लेकिन पूरे बॉलीवुड ने जरूर इस बारे में रामू पर अपनी नाराजगी जताई थी। I personally feel that when you're talking about icon like Mr. Bachchan, the industry need to be very responsible because once in a lifetime you have a Dilip Kumar, once in a lifetime you have a Raj Kapoor, once in a lifetime you have अमिताभ बच्चन। इंडस्ट्री को हो, इंडस्ट्री का बाहर का हो, हमें किसी को हर्ट करने का कोई हक नहीं है। तो हमारा ये काउंटडाउन ये साबित करने के लिए काफी है कि कई स्टार्स के लिए सोशल नेटवर्किंग कर्स भी साबित हुई है।